माय डियर कैंडिडेट, ये जो अभी हमारे साथ में कानपुर कास्टिक के तिवारी सर हैं, जो आज एक एचआर ट्रेनिंग में हमारे साथ में जो करियर अपना बताना चाहते हैं एचआर प्रोफाइल में, उसके साथ में एक सेशन रखा गया जिसमें सर अभी डिस्कशन भी कर रहे हैं, उनके पॉइंट भी जान रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ सर आप इनसे एचआर के बारे में कुछ पूछें, कुछ डिस्कशन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एचआर के बारे में आप कितना जानते हैं, क्या जानते हैं? प्रैक्टिकल नॉलेज तो अभी फिलहाल नहीं है, जो एयरफोर्स में किया है मैंने और जो पढ़ा है बस उसके बेस पे जितना कुछ हो सकता है, जैसे प्रैक्टिकल ये पेरोल से रिलेटेड अभी तक मैंने उसमें कोई काम नहीं किया, ना ही वहाँ पर ना ही इधर प्रैक्टिकली आफ्टर गेटिंग द डिग्री। और बाकी जैसे रिक्रूटमेंट हो गया, ट्रेनिंग सेशंस हो गए कुछ उनके, या कुछ उससे रिलेटेड रिक्रूटमेंट देखा है आपने? रिक्रूटमेंट मैंने सर एयरफोर्स में भी करी है, इवन वहाँ पे आज मैं इनको भेजना है, वहाँ पे जो मेरे पास डिमांड आई थी उनके पास भी आई थी, उनके पास में लेबर है या जो लोग काम कर रहे हैं वो चाह रहे हैं बंदा पोलाइट हो, सोफिस्टिकेटेड हो और सबको मैनेज कर ले, इतना वो चाह रहे हैं उनसे कि वो नॉर्मल एक एक्सेल शीट में बना ले पेरोल का हल्का सा पहले हम आपको वर्कर्स की कैटेगरी जो आइडेंटिफाइड है, थ्री टाइप्स ऑफ वर्कर्स, स्किल्ड वर्कर, दोज आर वर्किंग ऑन द मशीन, दे आर ऑपरेटर्स, फिटर्स, अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड वर्कर्स, सेमी स्किल्ड दोज हु आर असिस्टिंग द ऑपरेटर्स, देयर इज टेक्निकल, बोथ आर टेक्निकल, थर्ड है अनस्किल्ड, unskilled there is no need for any technical knowledge for loading and unloading, for shifting of material, they are both unskilled. Factory Act में तीन तरह के ये हो गए, ये एक्चुअली जो मिनिमम वेजेस एक्ट का पटेल करता है वो ये तीन एक कैटेगरी के देखते हैं, जिस बेस पे अपना बेस पे बेस बोर्ड अपना बेस पे करता है, बेस डिक्लेयर करता है, तीन है। अब सवाल ये है कि जो वर्कर्स हैं जैसे आपको एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है हाउ टू हैंडल द ग्रीवांस हैंडलिंग ऑफ द वर्कर्स, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आप वर्कर से इंटरेक्ट हो, देखिए दो तरह के बिहेवियर होते हैं, दो तरह के बिहेवियर, एक बिहेवियर वो है कि हम ऑफिशियली बात करते हैं और ऑफिशियली सारे टर्म्स के हिसाब से हम काम करते हैं, जो पर्सनल का एग्जीक्यूटिव होगा, जो पर्सनल वर्कर से वही अच्छा अंडरस्टैंडिंग कर पाएगा जो वर्कर्स के से बहुत इंटीमेट हो, खाली ऑफिशियली बात ना करें, उसके पर्सनल बिहेवियर वॉज दैट इज मोर इम्पोर्टेंट टू गेट द कॉन्फिडेंस ऑफ द वर्कर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक बार कॉन्फिडेंस डेवलप कर लेंगे वर्कर्स के बीच में फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।